ऊपर मेरे कमरे तक खुशबू आ रही है खुशबू तो मेनू भी आ रही है अच्छा लगता है मेरा ऐसा देखो फोन ठीक तो है ना कुछ नहीं हुआ फोन को अच्छा भला है खा लो ठंडी हो रही है कोई फोन शोन नहीं आने वाला जी ऐसा मत कहिए मुझे बहुत टेंशन हो रही है पापा जी खत्म कीजिए ना इसे खत्म करते करते तेरा बेटा रोटियां खत्म कर देगा वो प्रॉब्लम बीजी और बना देगी नमो कुछ पापड़ वापड़ लाओ पापा जी को ड्रिंक के साथ पापड़ खाना अच्छा लगता है घर में पापड़ नहीं है अच्छा लेकिन कल के लिए जरूर मंगाना बस करो और कितने पियोगे लेकिन उपाध्याय का फोन नहीं आया बीजी पापड़ की तीसरी पेट आ गई है चल उठो बाबा जी ये लास्ट सूरज अभी बस कीजिए पूरी बोतल खत्म किए बिना थोड़ी ना बस करेंगे डैड और पापा जी माँ मैं तो सोने जा रहा हूँ गुड नाइट बीजी सूरज तू ये ड्रिंक नहीं लेगा लेकिन उपाध्याय का फोन नहीं आया पापा जी उसी की टेंशन तो मैंने भी है इसीलिए कह रहा हूँ ये ड्रिंक तू नहीं लेगा मैं लूंगा आधी आधी करते हैं तू पहले ही मुझसे एक ड्रिंक आगे है लेकिन उपाध्याय का फोन नहीं आया पापा जी ये कौन आ गया नंदू भैया क्यों हो या पुत्र ये कहां से आ गया बोधर छुपा बोधर छुपा अरे बना बाबा जी जीता रहा है और जीते जीते ये भी बता कर रोक रहा है, है? ये जीजी ने मुनु क्यों है आई नंदू I'm sorry अब क्यों रो रहा है उसने sorry तो बोल दिया बस सुन लो गलत कर लो बार तू गलत करेगा तभी सुनेंगे ना नंदू भैया बताइए ना क्या हुआ मुझे बहुत फिक्र हो रही है पुत्र सब ठीक तो है ना हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी जब सब ठीक नहीं होता तभी तो आदमी ऐसे रोता है क्या बात है नंदू नहीं 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 हम विस्की नहीं पी हम पी पी रहे रहे तो पानी हैं <laughs> पता है आप ऐसे नहीं पियोगे और ना किसी को पीने दोगे इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ पापा जी फिर <laughs> तो तू वापस चला जा पुत्र <laughs> नहीं नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा मैं हमेशा के लिए अपना घर छोड़ के आ गया हूँ क्यों क्योंकि मेरी बेइज्जती हो गई है मैं किसी को मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा सारा मोहल्ला हंस देगा मुझ पर उन्हें सर्कस में जोखर का काम लिया है क्या जी पापा जी उन्हें बोलने दीजिए ना सर्कस तो मेरे घर में हुआ है पापा जी अच्छा खासा तमाशा हो गया है मेरा चंदू मेरा अठारह साल का पुत्र आज घर में शराब भी है पापा जी शराब है वेरी बैड वेरी बैड चंदू ने उस बच्चे ने शराब पी हाँ जीजे मैं तो लुट गया बर्बाद हो गया मेरा बेटा तो मेरे हाथ से निकल गया और तू घबराना। मैं समझाऊंगा उसे कि शराब पीना कितनी बुरी बात है तू सीख रहे हो मैं क्या जी चुप चल लो आ मेरे साथ आप क्या ढूंढ रहे हैं मिल गई हेलो हां जी एक मिनट उपाध्याय का फोन है अच्छा उसे कहो कल फोन करने के लिए ओए तो तू फिर शुरू हो गया आज तो कोई बहाना भी नहीं बनाया क्या जमाना आ गया पापा जी? क्या जमाना आ गया? आजकल बच्चे शराब पीने लगे क्या होगा इस देश का? क्या होगा समाज का पापा जी? तेरा क्या होगा? मेरे पास तो मेरे पापा जी है जो मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं हाँ, तो स्कूल खोल रखी है ना मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट है नंदू का बेटा चंदू जो मेरी बात छह में समझ गया जो मैं उसे कहना चाहता था कौन से छह बाबा जी तेरे बाप ने कभी शराब पी मेरा बाप तो पीता है, पीता हूं। तेरी तरह रोज नहीं पीता। तो है? कल से मैं शराब छोड़ देता ये तो आप रोज ही कहते रहते हैं फिर भी तेरा कल नहीं आंदा है कोई ना कोई बहाना मिल जाता है ना पीने का बाबा जी मैं रिलैक्स करने के लिए पीता हूँ कह कि लाइफ इज बिकम सो स्ट्रेसफुल अब आपकी वो स्ट्रेस 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 है स्ट्रेस है वो मेरा बेटा नीरज अब तक घर नहीं आया है अब जवान बेटा इतनी रात को घर से बाहर रहे तो बाप को तो स्ट्रेस होगा ही ना स्ट्रेस तो बाप को तब भी होता है जब उसका बूढ़ा बेटा रात को देर तक घर से बाहर रहे तभी तो मैं तेरा साथ देता हूं ताकि तू बाहर जाकर होटलों क्लबों में ना दम दम जिगा जिगा मौसम पिए मैं तो गिर मैं तो गिर मैं तो गिर रहा ये तो पीकर गिर रहा है तो चल भी रहा हूँ तू तो पीका है और आप अभी तक पी रहा है कहाँ से मिली तुझे इतनी शराब शराब का क्या है माँ कहीं भी मई जाती है सबसे ज्यादा तो हमारे घर में मिलती है नहीं नहीं हमारे घर में तो आते ही खत्म हो जाती है ओ ए, 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 आप और जो पीते रहते हैं रोज हाँ, तो है तुम्हें आपको आती है मुझे क्यों आएगी अपने डैड को उल्टे जवाब मत दो नहीं नशे में जो है अभी उतारता तो हूँ उसका नशा कोई नहीं इस वक्त तू भी नशे में है कोई फायदा नहीं होगा कुछ कहने का जो कहना है सुबह कहना चल 니 उठ अपने कमरे में चल आ जा पापा जी चल लेकिन पापा जी चल चल, चल 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 पापा जी ओके ओके डैमेट सी आप क्या कर रहे हैं आई नीड इट नमो मोर आई नीड इट बेटा तो वही करेगा ना जो बाप को करते हुए देखेगा ये आप किसकी बात कर रही बीजी पापा जी की या साब्जी की मैं अपने जो आज ये दिन देखना पड़ा बीजी ज्यादा इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है ड्रामा तो इस घर में अब शुरू हुआ है पुत्र जवान बेटा शराब पीकर आया है और हम कुछ कर नहीं सकते पापा जी आप नीरज बाबा को कल सुबह समझाइए जैसे आप दंदू मामा के बेटे को समझाएंगे कैसे समझाऊं राजू उसे तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि तेरे बाप ने कभी शराब पी हो गई तसल्ली बिगाड़ दिया ना मेरे पोते ने बिगड़ा हुआ तो तेरा बेटा है जैसा बाप वैसा बेटा तो मुझे क्यों ब्लेम तुम्हारा बेटा पी कर रही तो? तो अच्छा? तो है तो और एक आप है मैं उनमें से नहीं हूँ जो फूटू मुझे पता है मुझे क्या करना है कब करना और कैसे करना है जो कुछ भी करना है, तो करना है मैं क्या जी। ही उसे किस मुंह से समझाओ उसे बाप शराब पीता है तो क्या हुआ तू मत पी मैं शराब पीता हूं क्योंकि आज मैंने वो पोजीशन कमाई है मैं अपने पैसों की पीता हूं अपने बाप के पैसों की नहीं मेरे बेटे ने तो ड्रिंक तक नहीं पी मेरे पैसों की और उसका बेटा शराब पीकर पिएगा वो आज भी पी कर आएगा अगर आप इसी तरह रोज पीते रहोगे तो वो भी रोज पीने लगेगा मेरी बराबरी मत करो पहले वो मेरी तरह कुछ बन तो जाए बन चुका जो उसे बनना था हूं तो बर्बादी बर्बादी है वो नहीं सुधरेगा वो तो तब सुधरेगा जब उसे खुद अपनी गलती का एहसास होगा किसी के कहने का कुछ असर नहीं होगा उस पर कुछ मत कहिए आप उससे और मैं भी कुछ नहीं कहूंगी बीजी पापा जी राजू शोभा होगा उसने कितना गलत काम किया है। पेरी पापा जी। पेरी बीजी हाय डैड हाय मॉम भाई नाश्ते में क्या बन रहा है पराठे बीजी ने बनाए हैं पता कल रात को दीपक की बर्थडे पार्टी में इतना मजा आया सब दोस्तों ने पहली बार विस्की पी क्या बात है भाई कोई कुछ नहीं बोल रहा ऑफिस जी जी. में, में बहुत काम है मतलब आज फिर तक क्या और फिर पियोगे हो नमो, अगर मुझे देर हो गई ना फोन का फोन आया था वो आज दिन बिताने यही आ रही अच्छा रिया आ रही है बीजी और क्या कह रही थी रिया जीजा जी भी आने वाला है या नहीं शोभा राजू ने चाय पी ली हो ना तो उनके एक गड्डी निकाले मेनू मंदिर जाना है हाँ जी क्यों बीजी आज कोई खास बात है जो आपको मंदिर जाना है बीजी बीजी मैं आपसे पूछ रहा हूँ हमारी फूफी हमेशा कहाँ करती थी बीजी जब आपकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा हो तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि आपसे कोई बात नहीं करना चाहता क्या अच्छा इसका मतलब है आप लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते क्यों क्योंकि कल रात मैंने पी थी अगर ये बात है तो फिर डैड से भी किसी को बात नहीं करनी चाहिए पापा जी से भी किसी को बात नहीं करनी चाहिए वो लोग भी तो विस्की पीते सूरज पुत्र एक बात तो उसे कहना भूल गया जी बाबा जी मैंने राजू को बिजली के बिल दिए हैं उसे कहना दे अच्छा बाबा जी

द होल थिंग इज दैट पापा जी नीरज बाबा बहुत गुस्सा करेंगे लगता है तीर निशाने पर बैठा है बड़ी गहरी चोट पहुंची पुत्र नु बीजी तभी तो उसे पता चलेगा कि उसकी गलती क्या है आई एम श्योर शाम को घर आते ही वो हम सबसे माफी मांगेगा और फिर आप खुश होकर कहेंगे जास। जास। प्रिया और कुणाल भी चले गए कि नीरज क्यों नहीं आया अभी तक उसका फोन भी तो नहीं आया अब तक सवेरे गया लड़का हल्ले भी नहीं आया हम्म

लेकिन सॉरी नहीं कहते जस्ट लाइक नीरज बाबा वो इसकी आंखें तो नशे में भीगी हुई है छूल भी रहा है हाय डैड क्या बात है डैड आज आपने अभी तक शुरू नहीं की विस्की खत्म हो गई क्या मेरे पास है <laughs> ये देखिए बाबा जी डैड आए ना आए आज हम लोग तीनों मिलकर पीते हैं फूफी पानी लेना माँ दी, तुमने क्या किया नमू जवान बेटे पे हाथ उठा दिया ठीक ही तो किया डैड बेटा पी के जो है माँ तो हाथ उठाएगी लेकिन तेरी बीजी ने तो कभी हाथ नहीं उठाया तेरे डांट पर ये तो रोज शराब पीता है वो वो अलग बात है पापा जी ऑफ कोर्स पापा जी डैड को तो कितनी टेंशन रहती है वो तो विस्की पिए बिना रह ही नहीं सकते अब देखिए ना थप्पड़ पड़ा मुझे टेंशन हो गई इन्हें। डैड आप टेंशन मत लीजिए डैड टेंशन मत लीजिए रिलैक्स आप विस्की पीजिए विस्की सब टेंशन खत्म हो जाएगी लीजिए लीजिए ओहो कम ऑन डैड लीजिए की वजह से हो रही है सारी टेंशन ना मुझे शराब पीने का शौक चढ़ता ना ही मेरा बेटा आज शराब पी के मेरे सामने बहकी बहकी बातें करता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसे रोज कोई ना कोई बहाना बना के मैं जस्टिफाई करता रहा और ना इंसाफी होगी मेरे बेटे के साथ जिस उम्र में उसे पढ़ लिख कर कुछ बनना है कुछ कर दिखाना है उस उम्र में उसके मुंह को शराब लग गई वो भी मेरी वजह से मेरी वजह से आज मेरा बेटा शराब पीने लगा जब मैं नीरज की उम्र का था मेरे पापा जी ने शराब कभी नहीं पी मेरे सामने ताकि मैं गुमराह ना हो जाऊं आज मुझे एहसास हुआ है कि यह शराब कितनी बुरी चीज है आज से इस घर में एक बूंद शराब नहीं आएगी नहीं पीऊंगा मैं शराब नहीं पीऊंगा हो गया वो काम जो मेरा लेक्चर और तेरी बीजी के थप्पड़ नहीं कर सकते थे हो गया तुझे एहसास कि रोज रोज शराब पीना कितनी बुरी बात है और ये बात तेन समझाई तेरे पुत्र ने बट होल थिंग इज दैट जब पुत्र ही शराब पी के आएंगे तो फिर वो कैसे समझाएंगे नहीं वो पीकर नहीं आया वो तो पीने की एक्टिंग कर रहा था <laughs> यस ये तो मेरा और पापा जी का प्लान था ताकि डैड को एक जबरदस्त झटका लगे और वो नफरत करने लगे इस विस्की से और नहीं थे कि गुलाम बनता जा रहा था शराब का हाँ किरण शराब चीज ये ऐसी है तेन मतलब पता है शराब का शर मैंने शैतान आप मैंने पानी यानी के शैतानी पानी तभी हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी आदमी शराब नहीं पीता शराब आदमी को पी जाती है नीरज बेटे हम रियली सॉरी आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन तुमने मुझे सही रास्ता दिखा दिया गल लो, लो बात बड़ा प्यार हो रहा है पुत्र हाँ, नंदू मामा नीरज बाबा ने शराब पी ही नहीं और वो पिएगा भी नहीं चल रही जिस कार ना उस घर बीच ऐसा हो ही नहीं सकता पापा जी ने तो मेरा घर बचाया सुधार दिया मेरे पुत्र को तभी तो मैं पापा जी वास्ते गिफ्ट लाया हूँ गिफ्ट क्या गिफ्ट लाया तू अब मुझे गिफ्ट बहुत पसंद है दिश्की? हाँ जी पापा जी का साल भर का कोटा है ये दो पैक तो लेते हैं पापा जी कभी कभार। और वो भी किसी खास मौके पर वैसे आज मौका भी है और दस्तूर भी मैं क्या जी लेकिन रस्म दुनिया नहीं है संभाल के कभी ना कभी तो इसकी बारी आएगी तो क्या बात है जीजे आज तू शराब नहीं पी रहा <laughs>

कि किसी बड़े हीरो ने शराबी की एक्टिंग करने के लिए एक्चुअली शराब पी ली थी वैसे ही डैड को कन्विंस करने के लिए मैंने भी पी ली पहले थोड़ी सी पी अच्छी लगी फिर बहुत पी वैसे चीज बुरी नहीं है ओ तेरी ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया मेरी वजह से मेरा पोता शराबी हो गया ये मैं कैसे भूल गया कि ये भी एक धनुआ है इसे भी खाने पीने का उतना ही शौक है जितना कि मेनू <laughs> जबान के बहुत पक्के होते पापा पापा जी। जी इसने इसने प्रॉमिस किया था था। कि 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 ये ये सिर्फ सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग करेगा शराब 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 पीने की और इसने सिर्फ एक्टिंग की और है, शराब नहीं है। <laughs> नहीं नहीं पी लेकिन एट द सेम टाइम हम सब आपको बताना चाहते थे आपका प्लान कितना डेंजरस माना मैंने थप्पड़ जूतों से मारती

ये बोतल तब खुलेगी जब मैं नीरज की बारात में नाचूंगा प्रॉमिस प्रॉमिस तो मैं भी प्रॉमिस करता हूं मैं भी शराब तब पीऊंगा जब नीरज की मैरिज का पहला कार्ड तुझे दूंगा ओके सूरज ये ले ये क्या है पापा जी नीरज की शादी का कार्ड ग्लास ला पानी ला लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है पापा जी वो पुत्र लिखा तो तब जाएगा जब शादी तय होगी अभी तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है पापा जी